जालौन के उरई में किसानों की समस्याओं को लेकर आज समाजवादी पार्टी ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए समाजवादी पार्टी के कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार किसानों को खुद का बहुत बड़ा हितेशी बताती है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। विधायक चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार ने किसानों को बिजली देने के लिए किसान फीडर बनाने की घोषणा की, जिसके अंतर्गत किसानों को सरकार ने 10 घंटे बिजली देने का वादा किया था। विधायक ने बताया कि सरकार ने वादा तो कर दिया बिजली देने का, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार के पास बिजली तो है ही नहीं, तो ये कहां से देंगे। वहीं पूर्व में चरखारी से विधायक रहे कप्तान सिंह राजपूत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लाखों करोड़ों के बिलों को माफ कर दिया जाता है, लेकिन जो किसान गरीब है उनके घरों के ट्यूबवेल के कनेक्शन 10-10 हजार के बिलों के लिए काट दिए जाते हैं। पूर्व विधायक कप्तान सिंह ने कहा कि सरकार की नीतियों से परेशान किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मजबूर किसानों के साथ खड़ी हुई है और उनके हकों के लिए लगातार लड़ाई लड़ती रहेगी। आज जो अभी हमारे पूर्व विधायक ने बताया विस्तार से, जो ये सरकार ये कहती है कि हम किसानों के हितैषी हैं और बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, तो इनकी जो असलियत है वो बताने आए। सही बात ये, बिजली की हालत जो हालत है, इन्होंने ये कहा कि हम किसान फीडर बना रहे हैं, एक नाम दिया इन्होंने कि हम किसान फीडर बना रहे हैं, और किसान फीडर पे ये उसकी शर्त है कि सिर्फ 10 घंटे बिजली देंगे, रात को देंगे या दिन को देंगे ये तय नहीं है, ये इनकी उपलब्धता पे है। सबसे बड़ी बात ये है कि जब इन पर बिजली है ही नहीं तो ये देंगे क्या, सत्यता तो ये है। क्योंकि इन्होंने 7 साल होने वाले हैं, 6.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं इनको, माननीय योगी जी की सरकार को, लेकिन अभी तक इन्होंने एक प्रोजेक्ट प्रदेश में नहीं लगाया। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने जो विद्युत की व्यवस्था की थी, जो उन्होंने आज प्रदर्शन करा है, किस चीज़ के लिए प्रदर्शन करा है, क्या मांगे हैं आपकी? इसलिए प्रदर्शन करा है, खेतों की बुवाई का समय है, नहरों में पानी नहीं पहुँच रहा है, स्टोर पे सोसाइटियों में खाद नहीं है, किसान बुवाई के लिए तैयार खड़ा है, नलकूप के लिए बिजली नहीं मिल रही है, बुवाई प्रभावित हो रही है, किसान का नुकसान हो रहा है, इसलिए इस समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित कराने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्लोर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।